चलिए बढ़ेंगे आगे। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, वहीं कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर हरियाणा के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। इस बजट से हर एक को खासी उम्मीदें हैं, महिलाएं भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो इस खिलखिलाती धूप में धूप सेक रही हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनको बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। मैम आपका नाम? सरोज शर्मा। मैम बजट आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या कुछ उम्मीदें हैं? बेटे सरकार को बोलना नहीं बोलना मुश्किल है, क्योंकि सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। कॉमन मैन की जो बात है वो सरकार तक नहीं पहुंचती, वो बीच में ही अटक रह जाती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। और बजट ऐसा होना चाहिए जो सभी अमीर गरीब के लिए बराबर हो। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, महिलाओं की भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी अगर बात की जाए, तो महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए भी आजकल एक कॉमन मैन, कोई भी लड़की हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी, किसी की भी कोई सेफ्टी नहीं है। कहीं पर भी कोई जा रहा है गन पॉइंट पे आके उसको वहाँ से लूट लिया जाता है, कोई बुजुर्गों को घर में आके दरवाजे के पास आके मार जाते हैं, कहीं किसी की भी लड़कियों को खड़े बीच बाजार में उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, उनको कोई पकड़ के ले जाता है, रेप कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, सब ये सब चीज़ें हम एक कॉमन मैन की सेफ्टी सिक्योरिटी ये सबसे ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हम अपने आप को सेफ नहीं पाते। मैम अगर दिन के लेके सुबह से लेके शाम तक की बात की जाए तो क्या गुजारा करना घर पाना आजकल के समय बहुत मुश्किल है। गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी है। प्याज ही ले लो आप, प्याज इतने महंगे है कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आलू प्याज ही खा के जी सकता है, वो थोड़ा बहुत जो खाने होती है खाना उसने, तो जो इतनी सस्ती चीज़ जो होती है वो इतनी महंगी हो गई है, तो उसका क्या पे कर सकते हैं। इनको चाहिए टैक्स भी फ्री करे सारे, इतने टैक्स लगाए हुए, खाने पर भी इतने टैक्स लगे हुए हैं, तो गरीब क्या खा सकता है। बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, वो डिग्रियां ले लेके घर पे बैठे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही, बच्चे फिर गलत रास्ते पर चलते हैं, इसलिए जॉब का भी हमेशा पे जॉब के बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों को लिए इंडस्ट्री खोली जाए जो जहाँ जॉब कर सकें वो हैं। प्राइवेट कंपनियाँ हैं पर पैसा नहीं कुछ भी देती है। मैम अगर देखा जाए अभी तक हम लोगों ने घर के राशन पानी की बात करी और इसके साथ साथ ही हम लोगों ने महिला सुरक्षा की भी बात करी, महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक का सामान भी बहुत जरूरी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जिस तरह की घर गृहस्थी होती है एक महिला के हाथ में होती है, वो एक बैकबोन होती है घर की, लेकिन घर गृहस्थी संभालते संभालते वो अपना कॉस्मेटिक का सामान ही नहीं खरीद पाती है, और जो मेकअप है श्रृंगार का, जो ब्यूटी है, वो महिला का एक जन्मजात हक है। तो अब हम मेकअप करें या कॉस्मेटिक का सामान कैसे खरीदें जब घर का ही नहीं सामान खरीद पाते हैं, पूरा घर की किचन का सामान नहीं पूरा खरीद पाते हैं। अगर बेटे को खाने को देना है तो बेटे को जूस भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि घर संभालते संभालते एक महिला अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, जो उसका ब्यूटी जो है वो एक जन्मजात हक है। तो वो कॉस्मेटिक का सामान, मैं ये कहूंगी कि सरकार कॉस्मेटिक का सामान सस्ता करे। 1 तारीख को बजट आने वाला है, वित्त मंत्री जो है वो भी हमारी एक महिला है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि वो महिलाओं के हक में ज्यादा से ज्यादा बजट में डिस्काउंट वगैरह करें और महिलाओं को पूरा हक मिले, यही मैं कहूंगी बस। ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिनका कहना है कि जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है उसमें सरकार महिलाओं की और भी थोड़ा ध्यान दे, चाहे वो कॉस्मेटिक का सामान है, चाहे वो घर का खर्च पानी का सामान है, हर एक की तरफ जो है थोड़ी सी ध्यान जरूर दे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जनता टीवी।